సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ నివాళి అర్పించారు. ఢిల్లీలోని నేషనల్ పోలీస్ మెమోరియల్ దగ్గర పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి అమరులను స్మరించుకున్నారు. వారి త్యాగాలు ఎనలేనివని కొనియాడారు. एक पुलिस यूनिट का संपूर्ण क्रियान्वयन का उद्घाटन कर एक के बाद एक हर राज्य इसकी शुरुआत करेंगे. पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए भी नरेंद्र मोदी परेशान है. उन सभी को निजात दिलाने का, मुक्ति दिलाने का रास्ता हमारे तीन नए कानून के क्रियान्वयन में है. कुछ ही दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ यूटी से एक पुलिस यूनिट का संपूर्ण क्रियान्वयन का उद्घाटन कर एक के बाद एक हर राज्य इसकी शुरुआत करेंगे. पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं लाए हैं. आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41 लाख से ज्यादा कार्ड वितरित कर लगभग 1422 करोड़ के 13 लाख दावों का निपटान किया गया है. आज हमारे जवान और उनके परिवारजनों को कहीं पर भी अपने स्वास्थ्य के लिए कोई लिखा पटी कागज पत्र करे बगैर एक कार्ड के माध्यम से देश भर के सभी आयुष्मान अस्पतालों को उपलब्ध कराया गया है. आवास योजना में भी हमने लक्ष्य रखा है कि हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया जाए. 2015 में 3100 करोड़ से लेकर 13000 घर 113 बैरक को हमने मंजूरी दी है और मार्च 24 तक लगभग उसमें से 11276 घर और 111 बैरक का निर्माण पूरा हो चुका है. सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल से खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का हमने काम किया है. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना हमारे पुलिस दक्षिण